अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपके मन में अभी भी पायल के लिए फीलिंग्स हैं? आखिर वो आपका पहला प्यार थी ना? आज इतने दिनों बाद ये फिर से सोफे पर सो रहे हैं। लगता है इनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। मैंने क्यों पूछा इनसे वो सवाल? तुम मेरी पत्नी हो विधि, और हमारे बीच इतनी जगह नहीं कि कोई तीसरा आ सके। केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं समझ सकती हूँ आप नाराज क्यों हो। मुझे आपके प्यार पर, हमारे रिश्ते पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। आपने सच कहा था, हम दोनों के बीच इतनी जगह ही नहीं है कि कोई तीसरा आ सके। जब आपने दूसरी बार मुझे मंगलसूत्र पहनाया था, तो ये कहकर पहनाया था, इस बार आप दिल से पहना रहे हैं ये मंगलसूत्र। हमारे प्यार की डोरी है मेरा मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र। ये तुम्हारे को विधि का मंगलसूत्र लागे? अरे ओ पायल रानी, पायलिया, ओ हो, घड़ी चौकी लागे हमारे को तू। जले पकड़ बड़ा भारी है थारी बेन की डीरे, वो क्या बोले उसे, डीराई की लीम से आया है। हाँ, और जी थारी बेन का मंगल सूत्र, होश तो रेवेन्यू है उसे, जहां पड़ा मिला हमारे को जेल, उसकी अमानत दे देना उसे। बेन की शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र देखकर नियत तो फिसलेगी छोरी। इसे कहवे है ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या मौका हाथ लग गया हमारे, बाकी थे सयाने हो।
भी मेरा मंगलसूत्र कहीं खो गया है, आपको कहीं दिखा? जी लो, कैसी बातें कर रही है छोरी? दिखा जहाँ पड़ा मिला मारे को, हरे को कोई होश नहीं रह गए, कहीं पे भी पटक दे वे। मारे को लगा तो सो रही होगी, इसीलिए थारी बेन को दे दिया संभाल के रखने के लिए, ले लेना उससे। मैं उससे पूछ लेती हूँ। थैंक यू। चोको थी तू? ये तुझे कोई मामूली गहना लगता है जो कोई भी पहन ले? ये मंगलसूत्र मेरे पति के प्यार की निशानी है और ये काले दाने मेरी आत्मा से जुड़े हैं, और तू इसे? मैं अभी तक अपने आप को समझाती रही कि मेरा शक गलत है। बुआ दीदी गलत है जो ये सोचती है कि तू इस घर में गलत इरादों से आई। तूने क्या किया? तूने उनको सच्चा साबित कर दिया। तू मेरे पति को मुझसे छीनेगी? क्यों? क्यों है इतनी नफरत तेरे दिल में मेरे लिए? बता। क्योंकि आप इसी लायक हैं। हट जाओ। आपने मुझसे ये सवाल करके एक भोली भाली अच्छी बहन होने का मुखौटा निकाल दिया। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि मैं यहाँ अपना हक लेने वापस कैसे आ गई। बचपन से लेके अब तक आपने मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, पर अब सब कुछ आमने सामने होगा। ये तो क्या कह रही है? कौन सा मुखौटा? कैसा मोहरा? वो मुखौटा जिसे पहन के आपने मुझे धोखा दिया है, इन घर वालों को धोखा दिया है, और अपनी चाल चलने में कामयाब हुई। ऐसी चाल क्या कह रही है तू? मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की चाल। आंखें खोलो और देखो दीदो, ये मंगलसूत्र मेरा है, ये सारे रिश्ते जिसे आप हत्या कर बैठी हैं, वो मेरे। वो पति जिसे आप अपना कहती हैं, वो मेरे। आपके चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। वेद जी ने आपको मेरी जगह मजबूरी में दी है, वरना वो तो रोका तोड़ के आपको कब का रिजेक्ट कर चुके थे, और क्यों ना करते? ऐसा टूटा फूटा माल किसे चाहिए होता है? आपने सोच भी कैसे लिया कि आप किसी की पहली पसंद हो सकती है? भूल गए आप? जब कोई लड़का देखने आता था
तो माँ मुझे कमरे में बंद कर देती थी ताकि गलती से भी किसी की नजर मुझ पर ना पड़े, और इसीलिए पहला मौका देखते ही आपने मुझसे मेरा रिश्ता हटा लिया। पर किसी गलतफहमी में मत रहना दीदो, वीर जी के लिए आप सिर्फ एक समझौता है, उनकी मजबूरी है। उनके दिल में मेरे लिए जो प्यार है ना, वो आप कभी नहीं पा सकती। पर अब मैं आ गई हूं, अब जा सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी बातें करेगी, अपनी दीदों के बारे में ऐसा सोचेगी। ये है तेरा असली रूप? आप मेरे असली रूप की बात कर रही है? आप कौन सी दूध की धुली हुई है? आपने मेरे साथ किया वो सब? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए दीदी, शराफत से जो कुछ मेरा है आप मुझे लौटा दीजिए। वरना मैं सब छीन लूंगी। बस बस पायल, मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, बल्कि तेरी वजह से सब कुछ सहन किया है मैंने। मैं नहीं जानती थी कि मेरी अपनी बहन ही है। बहन मत समझिए आप मुझे, बहन नहीं हूं मैं आपकी। आज से मैं आपकी सौतन हूं। अपने ही घर में आपने मुझे इस गेस्ट रूम में लाके ठहरा दिया ना, पर अब देखिएगा मैं वेद जी के बेडरूम तक कैसे पहुंचती हूं। आज वेद जी मुझसे नाराज है, इसीलिए वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। पर बहुत जल्दी मैं उनका सोया हुआ प्यार वापस जगाऊंगी, फिर देखना कैसे वो आपको आपकी असली जगह दिखाते। फिर आपका ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये दिखावा भी आपको नहीं बचा पाएगा। जिस लड़की को ये सिंदूर और मंगलसूत्र दिखावा लगता है, उसे पवित्र अग्नि के साथ भैरों की शक्ति कैसे समझ आएगी? मेरा और वेजी का गठबंधन भले ही मजबूरी में हुआ हो, लेकिन ये मंगलसूत्र उन्होंने अपने दिल से पहनाया है, और ये बात हमेशा के लिए स्वीकार ली है कि मैं अब उनकी पत्नी हूं। और अच्छा यही होगा कि तू भी ये बात जल्द से जल्द स्वीकार ले। स्वीकार तो आपको करना है दीदो कि वेद जी के गुस्से में मेरे लिए प्यार छुपा है, जिसे मैं बाहर निकालूंगी। पागल हो गई है तू? आपने मेरे साथ जो किया है ना, वो किसी को भी पागल करने के लिए काफी है। और अब देखते हैं किसकी जीत होती है, आपके ये दो कौड़ी के दिखावे की या मेरे पागलपन की। तू इस मंगलसूत्र को बार बार दिखावा कह के ये भूल रही है कि मेरा और वेजी का 7 जन्मों तक रिश्ता बन गया है। पर अब वो रिश्ता आपको इसी जन्म में खोना होगा दीदो। कसम खाती हूं मैं, आपने जो जो मुझसे छीना है सब मैं पाकर रहूंगी। भटक गई है तू पायल,
इसलिए ऐसी बातें कर रही है? कहाँ है वो मेरी छोटी बहन जो अपनी दीदू के हर खुशी का ख्याल रखती थी? पर ठीक है, तूने कसम खाई है ना, तो आज मैं भी एक कसम खाती कि मैं अपनी बहन को कहीं रास्ते पर ना कर रहूंगी। जो खुद गलत रास्ते पे चल रही है वो मुझे सही रास्ते पे लाने की बात कर रही है। ठीक है, देखते हैं, मेरी जगह मैं सही हूं, आपकी जगह आप। बहुत जल्दी साबित हो जाएगा कि वेची अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। उनका प्यार साबित कर देगा कौन सही है और कौन गलत। तूने सही कहा, वेजी का प्यार ही साबित करेगा। अब आवेगा मजा जे देखने में कि जे उठनी कौन सी करवट बदलेगी। बाकी थे सयाने हो। ये धूपदानी मेरे मुंह पर क्या कर रही थी? भाई साहब आपके मुंह पे कौन निकल रहा? मुंह के सामने करा था। अच्छा जी, और बता क्या काम है? भाई साहब आज हमारे नाम की पूजा है ना, तो माई सा ने और बुआ दीदी सा ने बोला कि आपको जगा लाए। क्या तेरे नाम की पूजा? तेरे नाम की कौन सी पूजा होती है? होती है भाई साहब, मैंने सब ठाए। भाई साहब आज गोवर्धन पूजा है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे उठा लिया था भाई साहब, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री साहब। और तो मुझे उठाने आ गया? भाई साहब खुद से थोड़ी ना आया, वो तो माई सा ने और बुआ दीदी सा ने बोला आपको जगा के लाने के लिए। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा? काट दू क्या? क्या भाई साहब जबान? नहीं भाई साहब मैंने सब ठाया भाई साहब। आज जाके बोल दे, आ रहा हूं थोड़ी देर में। से नाराज उससे, उसे मेरी पड़ी नहीं, एक बार भी मनाने नहीं आई। थोड़ी देर और सो जाता हूं। अरे अरे गोबर क्या कर रहा है यार? बोला ना आ रहा हूं थोड़ी देर में। आओ, आओ। आ। तुम एक बार और टकराइए वरना काला कुत्ता काटेगा। क्या आओ टक्कर मारी, पागल हो गया तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सॉरी बोलने आई थी। Thank you.
दिल से सॉरी बोल रही हूँ ना, मैं जानती हूँ कि मैंने फिर से गलती की है, पर प्रॉमिस ये आखिरी बार थी, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मिसेस विधि कोठारी, मेरा मानना है कि जो एक बार करे उसे भूल कहते हैं, जो दूसरी बार उसे गलती, और जो बार बार करे उसे बड़ी वाली गलती। तो इस बड़ी वाली गलती की माफी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, तो ये मक्खन लगाना बंद करो, कोई अच्छा तरीका सोचो मुझे मनाने का। और ऐसे ना ये कान पकड़ के सॉरी बोलने से इस बार कुछ नहीं होगा, समझी? समझी। जनाब को अच्छा वाला मनाना चाहिए, ठीक है, बेटी को भी मना लूंगी और पायल को भी सही रास्ते पर ले आऊंगी।